जलीलपुर ब्लंक क्षेत्र के हस्तिनापुर चांदपुर रोड पर ग्राम कुतुबपुर गांवड़ी स्थित हठीनाथ मंदिर पर हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महाराज चरणदास ने बताया कि 3 जून सन 2012 से बाबा हठीनाथ मंदिर पर लगातार प्रत्येक वर्ष भंडारा का आयोजन किया जाता है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बाबा हठीनाथ मंदिर पर मन्नतें मांगते हैं। बाबा हठीनाथ मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर महाभारत कालीन के समय से यहां स्थित है। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। चरणदास नाम है। और ये जो भंडारा होता है कितने वर्ष से होता है यहाँ? 10-12 साल से होता है। कितने दूर दूर तक के लोग आते हैं यहाँ? आते हैं 4-5 किलोमीटर तक के आ जाते। क्या नाम है आपका? मैं पंडित अर्जुन कुमार शास्त्री ग्राम खानपुर खादर से हूँ, प्रधान पूर्व प्रधान हूँ। और ये जो हठीनाथ पर भंडारा होता है तो ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को होता है। और यहाँ मोनमुनिदास चरणदास जी ये कई वर्ष से लगातार यहाँ रह रहे हैं, मतलब 40-50 साल से तो यहाँ रह ही रहे हैं ये। और इस हठीनाथ की इतनी मान्यता है कि जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ संत लोग आते हैं, जो कोई अपनी इच्छा से यहाँ मनोकामना से मांगता है और मन से मांगता है तो परमात्मा और हठीनाथ देवता सब उनके मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसी हठीनाथ देवता की कृपा है। और विशाल भंडारा होता है यहाँ, कई कई लाख आदमी आता है भंडारे पर हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी द्वादशी तिथि को आज सोमवार के दिन 3 तारीख को यह भंडारा हो रहा है। 3 तारीख के भंडारे में यहाँ लाखों लोग श्रद्धालु आए हैं और भंडारे का लाभ उठा रहे हैं। और जब भी जो व्यक्ति यहाँ आता है, माताएं, बहन, पिता, बुजुर्ग और सारे पत्रकार बंधुओं, सारे जितने यहाँ बड़ी बड़ी दूर से यहाँ मिन्नतें मांगने के लिए आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है और उनकी श्रद्धा पूरी होती है। जो कोई भी कुछ मांग लेता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है।